So now let's start the rule to be tackled for type 1. Okay? देखते हैं क्या रूल है जो कि हम लोगों को टाइप 1 के क्वेश्चन में हेल्प करेगा. जस्ट लाइक जर्नल, टू ग्रुप्स आर बीइंग फॉर्म्ड, LHS ग्रुप एंड RHS ग्रुप. इन LHS एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस. सो बेटर यू राइट, यू मेंशन लॉसेज ऑल्सो. एंड इन RHS ग्रुप लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रिवेन्यू. इट सीम्स टू बी वेरी सिमिलर एज इफ वी आर इन जर्नल. ऐसा ही लग रहा होगा, एकदम उसी रूल से आपको ट्रायल बैलेंस कमांड कराता हूं. टाइप वन के नेचर के क्वेश्चन दो ग्रुप बना दिया, ये है LHS ग्रुप, ये RHS ग्रुप. फॉर्मेट कहता है ट्रायल बैलेंस का, अभी आपने फॉर्मेट नहीं देखा, ये रहा फॉर्मेट. अभी रूल को यहां मेंशन करूंगा, पहले फॉर्मेट देख लो. ब्लैंक फॉर्मेट इज लाइक दिस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, सो एज ऑन एंड लाइक दिस. सीरियल हेड ऑफ अकाउंट्स LF एंड फ्रॉम दिस साइड टू अमाउंट कॉलम्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. ठीक है, ये कितने हाइट का होगा, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अकाउंट्स गिवन इन योर क्वेश्चन. 8 to 10 होंगे, छोटा सा बनेगा. 20 होंगे, ये लंबा सा बनेगा. टॉप हेडिंग क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर भी लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ जिस प्रोप्राइटर पे ये अकाउंटिंग हो रही है. ट्रायल बैलेंस एज ऑन देयर आफ्टर सीरियल हेड ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम. अब रूल देखना, हम लोगों को इसी फॉर्मेट में सेट करना है किसी भी क्वेश्चन को. हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे बुक से, बट रूल क्या सर दे रहे हैं आपको. रूल वन, फॉर एनी अकाउंट ऑफ LHS ग्रुप, ये जो आपको मैंने दो ग्रुप बना के दिया, क्या रूल आ रहा है कि LHS ग्रुप का कोई भी अकाउंट एनी अकाउंट ऑफ LHS ग्रुप हैज इट्स अमाउंट इन LHS कॉलम. होता क्या है, जितने भी अकाउंट होंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड सीरियली हियर. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सारा यहां लिस्ट होगा. केवल पढ़ने की बात, सीखने की बात क्या है, उस अकाउंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में शो करना है या क्रेडिट कॉलम में शो करना है. ओनली दिस इज द टॉपिक दैट हैव टू बी लर्न. यही सीखना है केवल कि उस अकाउंट का अमाउंट डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा. मैसनरी का कितना अमाउंट बैलेंस है वो तो दिया रहेगा. मैसनरी अकाउंट लिखने के बाद उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में जाएगा या क्रेडिट कॉलम में जाएगा, उसी पे रूल आ रहा है. क्या रूल आया, इफ द अकाउंट फॉर विच यू आर जस्ट डिसाइडिंग द नेम ऑफ कॉलम, यदि वो LHS ग्रुप का है तो आप उसके अमाउंट को किस कॉलम में शो करेंगे, LHS कॉलम में. ये मेरी बातें हैं. LHS कॉलम कहाँ है सर, यहां तो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम है. तो आपसे मैं पूछता हूं, आपकी तरफ से ये समझने के लिए LHS कॉलम नहीं है, है या नहीं है ना, क्या ये RHS कॉलम नहीं है, है ना, है तो क्लियर है. तो ऑफिशियली कहा जाए फॉर एनी अकाउंट ऑफ LHS ग्रुप हैज इट्स अमाउंट इन डेबिट कॉलम, आप डेबिट कॉलम बोलो ऑफिशियली. मुझे तो LHS का ट्रिक अच्छा लगता है कि एनी अकाउंट ऑफ LHS विल हैज इट्स अमाउंट इन LHS.
LHS वाले ग्रुप के सारे अमाउंट LHS कॉलम में शो होंगे और जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट फॉर एनी अकाउंट ऑफ RHS ग्रुप, RHS ग्रुप का कोई भी अकाउंट हैज इट्स अमाउंट इन RHS कॉलम ट्रायल बैलेंस के RHS कॉलम में होगा, जिस RHS कॉलम को आप ऑफिशियली यहां क्या कह रहे हो, क्रेडिट कॉलम, सिन्हा सर उसको RHS कॉलम कहते हैं, डेबिट कॉलम को सिन्हा सर LHS कॉलम कहते हैं, क्योंकि मुझे एक रिदम दिखता है LHS ग्रुप वाला LHS कॉलम में, RHS ग्रुप वाला RHS कॉलम, एक रिदम है LHS वाला LHS में, RHS वाला RHS में, एकदम आसान लगता है, क्लियर है ना, एकदम आसान लगेगा, इसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू रूल्स वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ टाइप वन। अब रहा कि आपसे इतनी तो उम्मीद की जाएगी ना कि ये आपको एकदम कंफर्म पहचानने आ रहा है, बिकॉज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन दीज, उनको पहचानने ही नहीं आ रहा कि सर ये एसेट्स है, मुझे लगा ये लाइबिलिटी है, ओ तो गए फिर, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इतने समय से अकाउंटिंग पढ़ रही, आई थिंक दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू कि ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है या एक्सपेंस है, और जिसको वो क्लियर है सर के इस रूल से ट्रायल बैलेंस तो ऐसे बनता है झट से, बनेगा कि नहीं।